नमस्कार, मैं इस्लामुद्दीन खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। पिछले दिनों जो हमने एक खबर दिखाई थी शिमला पार्क तालाब की, जहां पर एक पानी का पाइपलाइन लीकेज था, यहां वहां पर आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियां होती थी और पाइप लीकेज होने की वजह से वहां पर जो हज़ारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा था, तकरीबन 2 महीने से ये पाइप लीकेज था, लेकिन जल विभाग इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी और यहाँ पर जो है ट्रैफिक का काफ़ी जो है जमावड़ा हो जाता था, जल भी जो है सड़कों पर जो है पानी का काफ़ी जो है भराव हो जाता था। इस खबर को प्रहार टाइम्स ने बड़े ही प्रमुखता के साथ दिखाई, इस खबर का असर हुआ और जल विभाग ने जो है इस पाइपलाइन की मरम्मत की, हम आपको दिखाते हैं, ये वही पाइपलाइन है, यहाँ पर जो है मरम्मत की गई है इसकी, जो ये 4 जगह से जो है ये पाइपलाइन लीकेज था, यहाँ पर जो हज़ारों लीटर पानी इसी तरह सड़कों पर जो है बह रहा था, लेकिन जल विभाग कोई सूझबूझ नहीं ले रहा था। लेकिन जब प्रहार टाइम्स ने इस खबर को दिखाया, उसके बाद जल विभाग की नींद खुली और उन्होंने जो है इस पाइपलाइन की मरम्मत की। हम आपको बता दें कि मुंबरा में पानी की काफ़ी समस्या है, मुंबरा में कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी की जो है काफ़ी समस्या है, लोगों के जो घर में पानी की समस्या इस तरह है कि जो है बूंद बूंद को लोग तरसते हैं, लेकिन यहां पर जो ये पानी बह रहा था, इसको खबर दिखाने के बाद जब प्रहार टाइम्स ने ये खबर दिखाई कि शिमला पार्क में जो है पानी का पाइपलाइन फूटा हुआ है, करीब 2 महीने से फूटा हुआ है, वहाँ से पानी जो है हज़ारों लीटर के तौर पर यहाँ पर बह रहा था, लेकिन खबर दिखाने के बाद जो असर हुआ तो जल विभाग ने जो है इसको जो है मरम्मत कार्य करके जो है इस पाइपलाइन को जो है दुरुस्त कर दिया है। कैमरामैन रहमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स।